वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष की बगिया से। दोस्तों, बरसात का मौसम आते ही आपके जो पौधे होते हैं वो खिलखिलाने लगते हैं, आपके चारों तरफ हरियाली हरियाली ही दिखाई पड़ती है। तो जो बरसात का मौसम होता है, ये जो भी गार्डन प्रेमी है, जो भी प्रकृति प्रेमी है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने का या फिर नए प्लांट्स को ग्रो करने का। तो देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी मैंने लास्ट वीडियो इसी पे बनाया था कि आप बरसात के मौसम में कौन से ऐसे टॉप 10 प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं, जिनको आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी इसी पर आधारित है और आज आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारे पौधों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप इस मानसून में अपने गार्डन में लगा सकते हैं, अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कहीं से कटिंग लाके उन्हें ग्रो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे कोई भी जानकारी आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं बहुत सारे पौधों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहला पौधा है हमारा सांचे जिया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये दोस्तों एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और आप इसे खूबसूरत पत्तियों की वजह से अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं और दोस्तों इसे कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो किया जाता है। इसमें फ्लावर भी आते हैं लेकिन मेन जो है दोस्तों, ये अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण लगाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पौधे के बारे में, इसे बोलते हैं रोहियो। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये वेरीगेटेड रोहियो है और इसे आप इस बरसात के समय में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये पौधे जो है मैंने अलग से लगाए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों ये और इसे बहुत ही आसानी से इस समय लगाया जा सकता है। इसमें एक और कलर होता है, ये देखिए सिंपल वाला होता है, इसकी जो लीफ होती है ऊपर से ग्रीन होती है, नीचे से पर्पल होती है और आप इन्हें बहुत ही आसानी से इस मौसम में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों हमारे अगले पौधे के बारे में जिसे बोलते हैं स्नेक प्लांट। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि स्नेक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, तो आप इस मौसम में भी इसे बहुत ही आसानी से इसकी लीव्स की कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। आप इसके पब डिवाइड करके लगा सकते हैं या फिर रूट डिवीजन मेथड से इसे आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो जो भी स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटियां हैं उनको आप इस मौसम में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे अलग अलग तरह के स्नेक प्लांट की वैरायटियां आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बेस्ट इंडोर प्लांट्स है, तो दोस्तों इस मौसम में आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाए इसकी तो आप इसके प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर होता है पौधा ये। अब दोस्तों हम बात करने वाले हमारे अगले पौधे के बारे में, इसे बोलते हैं मंडेविला। तो मंडेविला दोस्तों व्हाइट कलर में, पिंक कलर में, रेड कलर में होता है और एक ये बेल टाइप की होती है और वाइन होती है, फ्लावरिंग वाइन है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करती है। तो आप इसे भी इस मौसम में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो इसके नोड्स होते हैं दोस्तों, वहाँ से रूट्स निकलती हैं, तो उन जगह को आप मिट्टी में दबा दीजिए, सॉइल में दबा दीजिए, तो वहाँ से नए प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप कोई फ्लावरिंग वाइन लगाना चाह रहे हैं। ये देखिए मेरे पास ये व्हाइट कलर की, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे अगले पौधे के बारे में। दोस्तों हमारे अगले पौधे का नाम है एल्युमिनियम प्लांट। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एल्युमिनियम प्लांट और ये भी एक तरह का दोस्तों ऑर्नामेंटल प्लांट है और अपनी खूबसूरत लीव्स के लिए लगाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पौधा जो है मैंने कटिंग के द्वारा तैयार किया है। तो ये पौधा दोस्तों इसका मदर प्लांट है और इसी की कटिंग से मैंने वो पहला वाला पौधा तैयार किया है। तो आप इस मौसम में एल्युमिनियम प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्लांट के बारे में, ये है दोस्तों पान का पौधा। पान का पौधा बहुत ही धार्मिक महत्व के साथ साथ इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक महत्व भी है और आप इस मौसम में इसे बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो कलकत्ता, बनारसी, देसी, बहुत सारी इसमें वैरायटियां होती हैं, तो सभी वैरायटियों को आप इस सीजन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पर मेरा एक फुल वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों ये पान का पौधा और आप रूट गार्डनिंग करते हैं, टेरिस गार्डनिंग करते हैं, कैसी भी गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप इसे अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा अगला पौधा है,
इसे आप पहचान गए होंगे, बहुत ही कॉमन सा पौधा है दोस्तों, इसे बोलते हैं सदाबहार। जैसा कि इसका नाम है सदाबहार, ये हमेशा फ्लावर करता रहता है। और जो इसकी देसी वैरायटी होती है, इसमें दो कलर मुख्यतः देखने को आपको मिलते हैं। तो पहला कलर आपकी स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों इस सदाबहार के पौधे को आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। जो इसके हाइब्रिड पौधे हैं उनको भी आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बरसात में अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो पौधे खराब जाते हैं। और ये हमारे जो देसी पौधे हैं ये बहुत ही रफ एंड टफ पौधे होते हैं। ये देखिए बहुत कॉमन सा फ्लावर है और आप इसे कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे अगले पौधे के बारे में, जिसे बोलते हैं मनी प्लांट। तो मनी प्लांट सबसे कॉमन पौधों में से एक है दोस्तों, और ये ढेरों वैरायटियों में पाया जाता है। और इस सीजन में आप इसके कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जितनी भी वैरायटी है, इसे बहुत सारी वैरायटी आ रही है आपकी स्क्रीन पे, देखिए ये बहुत सी इसकी अलग अलग वैरायटियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी जितनी भी वैरायटियां हैं, इन्हें आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसकी कटिंग कहीं से भी अरेंज कीजिए, छोटी से छोटी कटिंग लेके आइए और उन्हें अपने गार्डन में आप ग्रो कर सकते हैं। आप अपने घर में लगा सकते हैं, डोर लगा सकते हैं, आप इन्हें सेमी शेड एरिया में लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे अगले पौधे के बारे में, जिसे बोलते हैं विजबोन। तो ये विजबोन फ्लावर्स हैं, जिन्हें टिरोनिया भी बोलते हैं, और इन्हें भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इसके पर भी मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों हमारा अगला पौधा है जेट प्लांट। तो जेट प्लांट दोस्तों एक बहुत ही रफ एंड टफ पौधा है और बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है। अगर आप बिगिनर हैं तो इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी आप अपने गार्डन में इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी छोटी सी टिप लेनी है आपको और उसे आपको ग्रो करना है। ये देखिए आपके सामने ग्रो हुई कटिंग है इसकी, और इसके एक पौधे से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। और आप इसे खूबसूरत बोनसाई बना सकते हैं, अलग अलग शेप में दे सकते हैं इन्हें। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। अब दोस्तों अगला प्लांट हम बात कर रहे हैं, ये दोस्तों इसे बोलते हैं फायर बॉल प्लांट। तो इसे ये जैसे हमारा पोसेंटिया प्लांट होता है, जिसकी पत्तियाँ पीली पिंक हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं सर्दियों में, ये बिल्कुल वही पौधा है, बस इसके एक तरह से देसी वैरायटी है। तो इसे बहुत ही आसानी से दोस्तों फायर बॉल बोलते हैं, और कटिंग के द्वारा देखिए मैंने ग्रो करके दिखाया है, ये कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये देखिए दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। अब दोस्तों हमारे अगला प्लांट है कोलियस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोलियस की अपनी रंग बिरंगी पत्तियों के लिए फेमस है, और कोलियस बहुत सारी वैरायटियों में पाया जाता है, और आप इसे कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप इसे मिट्टी में सीधे आप ग्रो कर सकते हैं, आप इसे सीधे पानी में ग्रो कर सकते हैं। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, इसकी केयर पे भी है और इसकी कटिंग ग्रो करने पर भी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों अगला पौधा आ गया है जिरेनियम। तो जिरेनियम बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, और इसकी लीव्स में भी अलग तरह की खुशबू आती है। इसे भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बट आपको शुरुआत में इसे आपको शेड में ही रखना होगा, और जब भी आप इसको लगाएंगे तो वेल ड्रेन सॉइल में आपको लगाना पड़ेगा। और इस तरह इसकी आप कटिंग इस मौसम में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस पर भी मैंने एक पूरा मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बहुत सारे इसमें कलर आपको मिल जाएंगे। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन पौधे के बारे में, जिसे पोर्टलुका, मास रोज, टेन ओ क्लॉक, लक्ष्मण बूटी आदि नामों से जाना जाता है, और इसे कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ढेरों कलर आते हैं इसमें। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे अगले पौधे के बारे में, जिसे बोलते हैं लैला मजनू का प्लांट। और प्रेम की प्रतीक इस पौधे को भी आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे पौधे बताऊँगा जो आप कटिंग के द्वारा इस मौसम में तैयार कर सकते हैं। तो ये सब मेरे गार्डन के पौधे हैं दोस्तों, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला पौधा है, इसे पहचान गए होंगे आप, इसे बोलते हैं क्रोटन। तो क्रोटन भी एक तरह से ऑर्नामेंटल प्लांट है, और अपनी खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियों के लिए फेमस होता है। तो इसमें बहुत सारे आपको कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी इसमें वैरायटियां आती हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है। और दोस्तों ये जो पौधे हैं, इन सबको मैंने कटिंग के द्वारा ही तैयार किया है। तो आप भी इस बरसात के मौसम में कटिंग के द्वारा इस पौधे को आराम से तैयार कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे ज़मीन पर लगा सकते हैं या फिर पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए एक कटिंग से तैयार पौधा, तो बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले पौधों में से एक है क्रोटन। ये देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों अगले पौधे के बारे में, जिसे बोलते हैं स्पाइडर प्लांट। दोस्तों स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, और जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो हजार्डस गैसेस होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसेस होती हैं,
उनको ये एब्जॉर्ब करता है और हमें फ्रेश एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इस पौधे को भी दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस मौसम में लगा सकते हैं। एक बेहतरीन आपका हैंगिंग प्लांट भी है और इसके जो भी इसके टिप से नए प्लांट निकलते हैं उनसे आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला पौधा है अरेलिया। ये भी एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है और अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। तो इसमें कई सारी वैरायटियां आती हैं। तो ये वेरीगेटेड अरेलिया आपके सामने है। तो इस मौसम में आप कटिंग के द्वारा अरेलिया को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होती है इसकी खूबसूरत खूबसूरत पत्तियां। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पौधे के बारे में जिसे बोलते हैं यूफोरबिया मिली। तो यूफोरबिया मिली के भी बहुत सारे कलर आते हैं और इसके सभी पौधों को आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लीजिए और उसे ग्रो कर सकते हैं इस मौसम में भी। दोस्तों अगला पौधा है हमारा एरेंथमम और जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए लगाया जाता है और इसकी पत्तियों का जो कलर है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है और इसकी कई सारी वैरायटियां आती हैं। तो मेरे पास फिलहाल दो वैरायटियां हैं, एक तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरा मैंने उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं है और उसको मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए तो बहुत ही खूबसूरत होता है ये दोस्तों और इसे आप कटिंग के द्वारा इस मौसम में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसे फ्लावरिंग भी होती है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं हमारे अगले पौधे के बारे में जिसे बोलते हैं ड्रेसिना। तो इसको भी दोस्तों कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा भी अपनी खूबसूरत लीव्स के लिए लगाया जाता है। ये देखिए तो इसे आप इस मौसम में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे अगले पौधे के बारे में जिसे बोलते हैं डेविल्स बैकबोन। तो दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जिसके बहुत सारे औषधि उपयोग होते हैं और हम उन उपयोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस हम बता रहे हैं आपको कि इस वीडियो में कि इस पौधे को आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और जो भी गार्डनर है दोस्तों वो इसे इसकी खूबसूरत पत्तियों के कारण अपने गार्डन में जगह देते हैं। ये देखिए इसकी बड़ी थिक लीव्स होती है तो इसे भी आप कटिंग के द्वारा इस मौसम में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हमारा दोस्तों अगला पौधा है जिसे कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक औषधि पौधा है और इसे बोलते हैं दोस्तों पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस की एक छोटी से छोटी कटिंग को भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस बरसात में आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाए तो आप उसे ग्रो कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं पौधा दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है दोस्तों अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं इसे और इसका दूसरा नाम सचफ्लेरा बोलते हैं और इसे भी आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पर ढेरों कलर आते हैं दोस्तों। ये सारे मैंने पौधे जो भी हैं ये कटिंग के द्वारा ग्रो किए हैं और इनमें कई सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको डार्क ग्रीन मिल जाएगा, लाइट ग्रीन मिल जाएगा, वेरीगेटेड मिल जाएगा, कुछ येलोइश शेड में मिल जाएगा। तो इसे जो भी इसकी जितनी वैरायटियां हैं उन सबको आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस बरसात के सीजन में। दोस्तों मेरा अगला पौधा है रबर प्लांट। तो रबर प्लांट का पौधा भी दोस्तों एक ऐसा पौधा है जिसे इस सीजन में आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो पौधा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इसको मैंने पिछले साल ग्रो किया था और आज ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस सीजन में आप कटिंग लेके आइए इसकी भी और इसे भी अपने गार्डन में आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। तो अब बारी है एक ऐसे पौधे की जिसे डॉक्टर भी खोजते हैं। जी हाँ, डॉक्टर भी खोजते हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं इंसुलिन का प्लांट और जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस पर एक मैंने फुल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों इस मौसम में आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और जो भी डायबिटिक पेशेंट है उन्हें डॉक्टर की सलाह से आप लेने को कह सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला पौधा है सिग्नोनियम। जी हाँ, सिग्नोनियम की बहुत सारी वैरायटियां होती है दोस्तों। आपके सामने देखिए एक सिग्नोनियम दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी एक बेस्ट इंडोर प्लांट है दोस्तों, एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसकी ढेरों वैरायटियां आती हैं, इनको भी आप इस मौसम में बहुत ही आसानी से इसके मदर प्लांट से सेपरेट करके लगा सकते हैं, इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें मिनिएचर वैरायटी अलग अलग वैरायटियां मिलेंगी आपको, तो बहुत ही इसकी लीव्स खूबसूरत होती हैं। तो आप इस मौसम में इसे भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला पौधा है, इसे बोलते हैं मैक्सिकन पिटूनिया और इसमें कई सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें पिंक कलर होता है, रेड वाइट कलर होता है, पर्पल कलर होता है, कुछ देसी वैरायटियां होती हैं, कुछ हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं। तो चाहे देसी हो या फिर हाइब्रिड हो, सभी को कटिंग के द्वारा इस मौसम में बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले पौधे के बारे में जिसे बोलते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। जी हाँ, सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की बहुत सारी वैरायटियां आती हैं, तो आप इन सभी वैरायटियों को कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं और प्लांट को अपने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये वेरीगेटेड वैरायटी है और आपको मैं इसकी दूसरी वैरायटी भी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी प्लेन वाली वैरायटी
और जो भी दोनों वैरायटी हैं उनको आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ कटिंग्स मैंने ग्रो की हुई हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे अगले पौधे के बारे में, जिसे दोस्तों बोलते हैं फाइकस। तो ये दोस्तों स्टार फाइकस है। फाइकस की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, बहुत सारी इसमें वैरायटियाँ होती हैं। जो भी दोस्तों फाइकस है इसे आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में मल्टीप्लाई करके उनके प्लांट्स को लगा सकते हैं। आप इसके बोनसाई बना सकते हैं। ये देखिए ये बोनसाई पौधा है। बहुत सारे इसमें आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये जो फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं इस पौधे को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। दोस्तों इसका नाम है टेक्सास सेज और इसे भी आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस सीजन में। अब दोस्तों हम बात करने वाले अगले पौधे के बारे में। ये पौधा आप देखिए दोस्तों, इसकी जो लीव्स हैं आपको बिल्कुल नाग की तरह लगेंगी, नाग के फन की तरह लगेंगी। दोस्तों ये है नागचंपा का पौधा और नागचंपा के पौधे को आप कटिंग के द्वारा इस सीजन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये पौधा दोस्तों अपनी खूबसूरत लीव्स के लिए जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों ये पौधा है टिकोमा। टिकोमा के बहुत सारे आपको कलर देखने को मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत सारे इसमें अलग अलग वैरायटियां आती हैं। तो टिकोमा की सभी वैरायटियों को आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस बरसात के मौसम में। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पौधे के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले पौधे के बारे में, जिसको बोलते हैं मोसंडा। और इसकी फ्लावर बहुत बढ़िया होते हैं, इसकी लीव्स अलग कलर की, आपको ऐसा लगेगा लीव्स है बट इसके फ्लावर्स होते हैं। इसे बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे और इस पौधे को भी आप बरसात के मौसम में कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन एक बेहतरीन हैंगिंग प्लांट का ऑप्शन है और इस बरसात के मौसम में आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला पौधा है, इसे बोलते हैं बोलिवान जीव। तो इस बोलिवान जीव को भी आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन हैंगिंग प्लांट है और जैसा देख रहे हैं आप मैंने इसे बास्केट में लगा रखा है। तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी आप बहुत ही आसानी से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा दोस्तों ये है बास्केट प्लांट। जी हाँ, बास्केट प्लांट जैसा नाम है दोस्तों, इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इस मौसम में आप इसकी कटिंग के द्वारा इसके जो ये पब लटक रहे हैं इनको सेपरेट करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जगह जगह इस मौसम में इनमें रूट्स आ जाती हैं, तो आप इन प्लांट्स को अलग करके कट करके नए प्लांट इस मौसम में तैयार कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वडेलिया। वडेलिया दोस्तों एक वाइन टाइप का होता है और इसे कटिंग के द्वारा इस मौसम में बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो फ्लावर आते हैं वो बिल्कुल सूरजमुखी के फ्लावर के जैसे होते हैं लेकिन काफ़ी साइज में छोटे होते हैं, तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते थे। तो दोस्तों ये थे कुछ पौधे जिन्हें आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से इस सीजन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। अपने नमस्कार।